हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में बात करूंगी एलोवेरा जेल के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि एलोवेरा जेल के फायदे जो है वो बहुत सारे होते हैं हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए भी। तो स्किन के लिए तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे बालों के लिए भी उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है जितना कि हमारी स्किन के लिए। और स्किन के लिए तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हैं एलोवेरा जेल के यूजेस के बारे में, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो है टोटली फॉर हेयर, यानी कि हम एलोवेरा जेल को अपने बालों पे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे बालों की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो तो दूर होंगी ही, साथ में हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको भी वो प्रमोट करेगा। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो बिना देरी करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला जो यूज है एलोवेरा जेल का हमारे बालों के लिए वो है एज अ हेयर प्रोटेक्टर। जी हाँ, ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है अगर हम बालों में आयनिंग करा रहे हैं या कर्लिंग करा रहे हैं, किसी तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उसको कराने से पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने बालों पे अप्लाई कर ले तो उस केमिकल का और उस हीटिंग का जो इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और मैं यहाँ यूज करती हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप बालों में स्ट्रेटनिंग करें, कर्लिंग करें या किसी तरह का हेयर ट्रीटमेंट लें, उससे पहले आपको इस तरीके से एलोवेरा जेल को अपने हाथ में थोड़ा सा लेना है और उसको रब करके इस तरह से अपने बालों पे अप्लाई करें। आप चाहे तो एक एक करके स्टैंड बना के अप्लाई करें या फिर पूरे बालों पे एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा यूज है एलोवेरा जेल फॉर हेयर वो है हेयर मास्क। और उसके लिए आपको एक बोल में 2 या 3 स्पून एलोवेरा जेल लेना है और उसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। आप चाहे तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल जो आप यूज़ करते हो। और साथ में उसमें हमें मिक्स करने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट जो है वो बना लेना है। अब मैं इस पेस्ट को अपने बालों पे अप्लाई करूंगी और इस पेस्ट को आपको बिल्कुल भी अपने रूट्स पे नहीं लगाना है, लेकिन आपको इसको अपने पूरे बालों पे लगाना है एंड तक। और इस तरह से आप छोटे छोटे पार्टीशन लेकर और अच्छे से अपने सभी बालों में इसको अप्लाई करें। अगला जो एलोवेरा जेल का यूज है हमारे बालों के लिए वो है एज अ हेयर स्पा क्रीम। आपको एक बोल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स आपको नीम ऑयल की ऐड करनी है और उसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से क्रीम की फॉर्म में बना लेना है। और अब इसको आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है, छोटे छोटे पार्टीशन आपको बालों के लेने हैं और उस पर इस हेयर स्पा क्रीम को अच्छे से अप्लाई करना है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें। करीबन आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक इस क्रीम को अपने बालों पर रख के अच्छे से वॉश करना है। अगला जो DIY है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन DIY है एलोवेरा जेल का बालों के लिए, आप कह सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शैम्पू करने के बाद हमारे बाल जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और हम उसको ठीक करने के लिए बाहर से लिवॉन या कुछ ऐसे सीरम यूज करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं। तो हम घर पे ही एलोवेरा जेल की हेल्प से लिवॉन सीरम जो है वो बना सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक इस तरह की स्प्रे बॉटल लेनी है और उसमें 1 या 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालना है और उसमें मिक्स करना है थोड़ा सा वाटर और उसके बाद उसको शेक कर दीजिए और आपका लिवॉन सीरम जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल नेचुरल DIY है और कोई केमिकल नहीं है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बालों को अभी वॉश किया है और मेरे बाल हल्के डैम्प है, अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं। तो मैं अब अपने बालों पे इस स्प्रे को अप्लाई करूंगी और उसके बाद जब मैं अपने बालों को कॉम करूंगी तो मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होंगे, बिल्कुल काफी वॉल्यूमस नजर आएंगे और काफी सिल्की और शाइनी मेरे बाल जो है वो हो जाएंगे। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने आज के वीडियो में कितने सिंपल और इजी DIYs शेयर किए आपके साथ हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की हेयर की प्रॉब्लम है तो आप इन सभी DIYs को यूज करके देखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने इफेक्टिव आपके लिए DIYs जो है वो साबित हुए, क्या इनका कोई फर्क पड़ा आपके बालों पे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।